छेद के अंदर से खरगोश आएगा। हाँ। सब हो गया। हाँ? अभी भी कुछ कमी लग रही है। हाँ। अब मैं झूला झूल सकता हूँ। सोचता हूँ कि महाराज कैसे होंगे। बाबू जल्दी। महाराज महाराज रुकिए, रुकिए मेरे लिए। महाराज 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 मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे छोड़कर मत जाइए। महाराज रुकिए, ये तो बस एक सपना था। आशा करता हूँ कि महाराज ठीक होंगे, लेकिन क्या वो अपना ख्याल रख पाएंगे? उनके लिए खाना कौन बनाता होगा? उन्हें लोरियां कौन सुनाता होगा? महाराज की याद आ रही है। तो ये घटना घटी थी और अब मैं गुस्सा हूँ। बात यह है कि मुझे लगता है तुम इस बार गलत हो रेंचो। क्यों? क्या मतलब? क्या तुम बाबू का अपना दोस्त नहीं मानता है? हाँ मानता हूँ बिल्कुल। फिर तुम अपने दोस्त का दिल ऐसे कैसे दुखा सकते हो? लेकिन मैं वो दोस्त तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर तुम बाबू के लिए वैसा कुछ बनाते हैं और बाबू कुछ सोचे समझे बिना उसको फेंक देते हो, तुम्हें कैसा लगता? सही बात है, उसकी हिम्मत नहीं होती। मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं? दरअसल वो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे नहीं जो कैसा लगेगा अगर हम खास डांस करके दिखाए तो? क्या बोल जाओ तुम? ठीक है कुछ और? एक गाना गाएंगे? ठीक है शुक्रिया, लेकिन हम एक तरकीब ढूंढ रहे हैं। तो गाना भी नहीं गा सकते? ठीक है हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मिल गया मुझे। खाने के बारे में क्या ख्याल है? सच में जरा सोचो उस बारे में। तुम उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ, फिर वो तुम्हें माफ कर जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम भूखे हो डब्लू। तुम कभी खाना और खेलना छोड़ के और कुछ सोच सकते हो? ये गंभीर बात है, समझे? मुझे भी लगता है खाने से काम हो जाएगा। घर पे बना खाने के बारे में क्या ख्याल है? घर पे बना खाना? जरूर। तू अपने हाथों से बाबू के लिए कुछ खाना पकाओगे और वो समझ जाएगा कि तुम उसे कितना चाहते हो। मैं तुम लोगों से सहमत हूँ। लगा के बच्चे, मुझे लगता है घर का खाना सही में बेमिसाल होता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? या कहीं तुम्हारी कोई चाल चल आई? अरे शांति रखो, मेरी बात तो सुनो तुम लोग। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी गलतियाँ? दरअसल हाँ वो तो है, इस कहानी में दरअसल मेरा ही हाथ है। मैं बाबू का खाना खा गया, वो तो रेंचो के लिए बना था। मैं माफी मांगने आया हूँ और इसकी भरपाई भी करना चाहता हूँ। मैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा किचन इस्तेमाल करो। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है लखा मदद करने आया है। हाँ लखा जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और खाना भी चाहता है थोड़ा सा। रेंचो तुम ठीक हो? दोस्तों देखते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों भालू अगर उस बंदर को ढूंढ के लाओगे तो। क्या? बात ऐसी है कि मुझे चिंता है कि बाबू शायद कहीं जोर जोर से रो सकता है। ये गंदा है, हाँ? जरा उसे ढूंढ के लाओ। ठीक है हम उसे ढूंढ लाएंगे। अच्छा, और जब तुम्हें वो मिल जाएगा तुम उस पर नजर रखोगे, ठीक है? वो पागल है। चलो लखा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ। रेंचो अपना आवेगा चल चुपाता है भाई। हाँ भाई चलो अब बाबू को ढूंढते हैं। वाह, ये हरे घास वाली जमीन तो वाकई सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? गर्मियों में मजे करने के लिए तो घास सबसे सुंदर होती है। कभी सीधे तरीके से बात नहीं कर सकता? मैं थोड़ा सहनशील बनने की कोशिश कर रहा हूँ लखा। ए
मैं सेब छीलूंगा। ठीक है, अब गाजर काटूंगा। फिर थोड़ा मसाला डालूंगा। क्या कमाल की खुशबू है। हो गया। मैंने कभी महाराज के साथ ऐसे लड़ाई नहीं की। मैं ये क्या कर रहा हूँ? महाराज मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। खाने के लिए तैयार। अरे वाह, क्या बात है। मैं सोच रहा था पीछे हटो, ये बाबू के लिए है, लक्खा के लिए नहीं। अरे रुको, इतने गंदे भी मत बनो, बस थोड़ा सा चखने के तो दे दो, बाबू को पता नहीं चलेगा। मैंने तुम वापस आ गए। बाबू कहाँ है? वो कहाँ है? वो तुम्हें नहीं मिला? तुमने जहाँ बताया था हमने वो सारी जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या करा है बाबू? तो ये सच है, वो सच में चला गया। उसने ठान लिया है मेरे साथ और दोस्ती नहीं रखेगा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अभी ऐसा मत सोचो। हाँ, शायद बाबू घर चला गया होगा, है ना डब्लू? सही बात है, अंधेरा हो चुका है और शायद घर चला गया है। ओ सच में? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबू, 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 वो तो यहाँ नहीं है। वो घर पर क्यों नहीं आया? वो जरूर बहुत गुस्से में है। मैं दोष नहीं दे सकता, मैं गंदा राजा हूँ। मुझे पता है वो करेगा, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी परवाह करता है। मुझे पता है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। सच्ची? आराम से रंचो, डब्लू सही है। फिर वो बंदर कहाँ है? उसे अंधेरे में बाहर रहना पसंद नहीं, शायद वो किसी मुसीबत में है। मैं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। कोई है वहाँ? मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे भूख लगी है। क्या महाराज को मेरी कोई भी परवाह नहीं है? बाबू, 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 हे बाबू, 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 मैं यहाँ हूँ, बाबू, ये तो बाबू है, बाबू, मार रहे हैं, वो कहाँ हो सकता है? सोचो सोचो कहाँ हो सकता है? हाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। ये मेरे जब बाबू है। बच गया है। बाबू कैसा? जल्दी से ऊपर आ जाओ। महाराज। बाबू, ये मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने जो खाना दिया था वो मुझे फेंकना नहीं चाहिए था। माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबू। मैंने तो बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया। क्या है? अरे ये बस कुछ भी नहीं, मैंने ही तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। हाँ? आपने ये सब मेरे लिए बनाया है? तुम लोग सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है।